हेलो माय फैमिली। तो भाई लोगों, आपका भाई फिर से लौटा है एक नया तड़कता भड़कता मजेदार गेम प्ले लेके। अब ये वाला गेम प्ले थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि इस वाले गेम प्ले में काफी सारे रैंक पुशर आ जाते हैं, जिसके कारण ये वाला गेम प्ले ऐसा लगता है जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो। इस वाले गेम प्ले में पूरा कॉम्पिटिटिव का मजा आने वाला है। फिलहाल एंड करता हूँ स्कूल ऑफ आर्ट्स में, गन मिल चुकी थी, अब सिर्फ बंदे ढूंढने थे। यहाँ पे शुरुआत होती है बोर्ड के एक किल से, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे नहीं उतरे थे क्योंकि सारे रैंक पुशर थे तो अलग अलग जगह पे उतर गए थे, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग पे बंदे थे। यहाँ पे मेरा टीममेट अकेले घुस जाता है। एक बंदा तो उसने नॉक कर दिया था, लेकिन दूसरा बंदा उसको नॉक कर देता है। हालांकि ये बहुत लेट था, इसीलिए मैं काफी बुलेट नहीं चलाता और ये डेड हो जाता है। यहाँ पर मैं इस बोर्ड को मारने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन सामने वाला बोर्ड इस बोर्ड को मार देता है और मेरा टीममेट सामने वाले बोर्ड का किल चुरा लेता है। फिलहाल यहाँ पे अपार्ट्स की सारी स्क्वाड खत्म हो चुकी थी, हम आगे। मेरे टीममेट ने ऑलरेडी एक बंदा डाउन कर दिया था। मैं वहाँ पे नेट ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई भी बंदा नॉक नहीं होता। और फिलहाल यहाँ पे एक बंदा फिर से मैं नॉक कर चुका, लेकिन यहाँ पे डैट पुश करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हो सकता था चारों बंदे अलग अलग साइड पे बैठे हों और हमें आसानी से मार दें। लेकिन इस बंदे ने हमारा काम आसान कर दिया। जैसे ही हम फायर करते हैं, इस बंदे से रहा नहीं जाता और ये बंदा हम पे पुश कर देता है। अब हम यहाँ पे इसका एक टीममेट तो खत्म कर चुके थे, लेकिन अभी भी काफी सारे फूट साउंड आ रहे थे ऊपर से। हमें नहीं पता था एक्चुअली कितने सारे बंदे हैं। यहाँ पे इस स्क्वाड के सिर्फ तीन ही बंदे थे, दो बंदे मेरे टीममेट ने डाउन कर दिए थे और एक बंदा मैंने किल कर दिया। फिलहाल यहाँ पे ये स्क्वाड यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन जैसे ही मैं लूट के आगे बढ़ रहा था, मेरा टीममेट सामने वाले बंदों से नॉक हो जाता है। सामने वाले बंदे मेरे एम में थे, लेकिन मैं उनको पीक नहीं देना चाहता था, क्योंकि उनके पास नहीं पते, अगर यहाँ पे मेरे पास एक भी हेडशॉट लगने पाता तो हम दोनों लॉबी पहुँच जाते। इसीलिए मैं पहले अपने टीममेट को रिवाइव करने आता हूँ, क्योंकि फाइट तो हम इनसे बाद में भी ले सकते थे।
集合して अगेन यहाँ पे मेरा टीममेट मेरा ही किल चोरी कर लेता है, लेकिन फिलहाल सामने वाली स्क्वाड अभी भी अलाइव थी जो कि रिच पे थी। ये वाले बंदे तो हम खत्म कर दिए थे और इसी के साथ तुरंत ही इन बंदों पे हम रश कर देते हैं। आप लोग बोले भाई सबसे बड़ा नूब तू ही है भाई पूरे पबजी मोबाइल में। मैंने सोचा था पीछे आके गाड़ी फोड़ दूंगा, तो हो सकता है सामने वाले बंदे जब गाड़ी फोड़े तो मैं नॉक ना हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं गाड़ी फोड़ता हूँ मैं खुद ही नॉक हो जाता हूँ। डर इस बात का था कि सामने वाले बंदे हम पे रस ना कर दें, और ऐसा होता भी है। सामने वाला बंदा गाड़ी लेके रोटेट कर जाता है। लेकिन भाई मेरा टीममेट तो कदी प्रो था, इसने सामने वाले बंदे को पेल दिया। अब यहाँ पे हमारा रास्ता क्लियर था, लेकिन अब हमें जोन पे भी जाना था। जोन हमें बहुत तेजी से काट रहा था। एडवांटेज यह था कि हमारे पास गाड़ी थी, हमारी पुरानी वाली बग्गी तो बस्ट हो चुकी थी, लेकिन सामने ये बंदा गाड़ी लेके हमें दे जाता है। अगर ये गाड़ी ना होती तो हमारा कन्फर्म था लॉबी में पहुँचना। एक बार फिर से सामने वाले एनिमी के पास स्नाइपर थी, मेरा टीममेट फिर से नॉक था, इसीलिए मैं गाड़ी उठा के फटाफट आता हूँ, क्योंकि अगर जरा सा भी पीक देता तो वो मेरा टकला ही उड़ा देता। अब देखो यार, अगर आप भी कभी भी स्नाइपर वाले बंदे के सामने फंस जाओ तो हमेशा मूवमेंट करते रहो, एक जगह पे खड़े होके पीक कभी मत दो, अदरवाइज वो आपका टकला उड़ा देगा। अब इससे पहले कि ये हमारा टकला उड़ाए हमें जोन पे निकलना था, क्योंकि जोन आ चुका था, सर्किल बहुत छोटा था, हमें काफ़ी सारा डैमेज पड़ने वाला था। अब इससे पहले कि हमें डैमेज पड़े हम सीधा जोन में जाते हैं। अब सिर्फ 7 बंदे लाइव थे, चिकन के बहुत ज़्यादा करीब थे हम, लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देख के हमारा चिकन चिकन ही रह जाएगा। सामने वाला बंदा हमारी थाली से हमारा ही चिकन छीन के ले जाएगा। Marked a location.
Marked a location. यहाँ पे हम बहुत ही बुरी तरह फंस चुके थे। पीछे ओम वाला बंदा था जो कि मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं चला था कहाँ से ओम चला रहा है, और सामने बाकी बंदे ब्रिज कैंप कर रहे थे। हमारा बच पाना बहुत ही मुश्किल था, पर फिलहाल यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने में तो सक्सेस हो जाता हूँ। Marked a location. I need a weapon. तो यार यहाँ पे फिलहाल हम चिकन नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।